नमस्कार साथियों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मूल अधिकार में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 15 और 16। 15 नंबर अनुच्छेद हमने कल कर लिया था, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 है, इसके अंदर मूल विषय वस्तु क्या है इसकी, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने मूल अधिकारों के अंदर पढ़ा था समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार के बाद में अनुच्छेद 15, जिसमें हमने भेदभाव का निषेध था उसके बारे में बात की थी। तो अनुच्छेद 16 है, इसमें मुख्य बात है लोक नियोजन में। लोक नियोजन में अवसरों की समानता। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस लोक नियोजन शब्द का अर्थ क्या होता है। लोक नियोजन का मीन्स ये होता है कि जब भी कोई सरकारी पद पर नियुक्ति दी जाती है तो उसे लोक नियोजन कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं पब्लिक अपॉइंटमेंट। तो पब्लिक अपॉइंटमेंट का मतलब लोक नियोजन में, यानी सरकारी पद पर नियुक्ति देते समय सरकार सभी व्यक्तियों को क्या उपलब्ध करवाएगी, अवसरों की समानता उपलब्ध करवाएगी, अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 में मुख्य रूप से बात यह है कि सरकारी पद पर नियुक्ति देते समय सरकार हम सबको अवसर की समानता दिलवाएगी। अवसर की समानता का मतलब ये है कि जब कोई भर्ती आती है और उस भर्ती के अंदर हम फार्म भर देते हैं, तो फार्म भरते ही हमें अनुच्छेद 16 में दी गई अवसर की समानता है वो प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद में अनुच्छेद 16 ये एक है, और इसके बाद है 16-2। इस 16-2 में लोक नियोजन में अवसर की समानता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। कितने आधारों पर? 7 आधार पर। 7 आधारों पर लोक नियोजन में अवसर की समानता से किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी अभ्यर्थी को वंचित नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये 7 आधार कौन कौन से हैं, ये 7 आधार याद करने हैं हमें। उनमें से आपको मैं ये बता दूं जानकारी के लिए कि अनुच्छेद 15 के अंदर हमने 5 आधार पढ़े थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 5 तो वो के वो आधार है जो अनुच्छेद 16 में काम आएंगे, 2 हमें एक्स्ट्रा करने हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 16 के अंदर 7 आधार हैं, 7 में से अनुच्छेद 15 में हमने जो 5 पढ़े थे वो सेम है। सबसे पहले हमने उसमें लिखा था धर्म, धर्म के बाद में दूसरा लिखा था मूलवंश, मूलवंश के बाद में तीसरा है धर्म, मूलवंश, जाति, जाति के बाद में चौथा आधार है लिंग, और लिंग के बाद में पांचवा हमारा जो अधिकार ये था आधार वो पांचवा है धर्म, मूलवंश, लिंग, लिंग के बाद में है जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके बाद है उद्भव, और उद्भव के बाद में 7वां आधार है निवास। तो ये 7 आधार है, कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास। इन 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन में अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन का मतलब सरकारी पद पर नियुक्ति के समय किसी भी व्यक्ति को इन 7 आधारों पर अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इन 7 के अलावा किसी भी और आधार पर किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप, हम सब राजस्थान के रहने वाले हैं, और राजस्थान के अंदर भर्ती आएगी तो हम सब फार्म भरवा देंगे। लेकिन मान लीजिए हम एक भर्ती पंजाब के अंदर आई, पंजाब में जब राजस्थान का कोई व्यक्ति फार्म भरेगा तो उसे सबसे पहली बात तो ये है कि फार्म भरने के लिए धर्म के आधार पर नहीं रोक सकते, मूल वंश के आधार पर नहीं रोक सकते, जाति के आधार पर नहीं रोक सकते, लिंग यानी पुरुष है या महिला है इस आधार पर भी नहीं रोक सकते। जन्म राजस्थान में हुआ है या पंजाब में हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार हमें नहीं रोकेगी। यदि हमारा जन्म राजस्थान में हुआ है, फार्म भर्ती हम कहाँ देना चाहते हैं, पंजाब में, तो नहीं रोका जाएगा। उद्भव और निवास स्थान,
निवास यानी वर्तमान में निवास राजस्थान में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सात आधारों में से किसी भी आधार पर राजस्थान के किसी अभ्यर्थी को पंजाब में भर्ती फॉर्म भरते समय नहीं रोका जाएगा। लेकिन हमें किस आधार पर रोका जाएगा, राजस्थान का कोई व्यक्ति यदि पंजाब में फॉर्म भरेगा तो उसे एक आधार पर रोका जाएगा, उसको बोला जाएगा कि दसवीं के अंदर जो तृतीय भाषा है वो भाषा कौन सी है। और भाषा यदि किसी व्यक्ति के पास पंजाबी भाषा है तो वो पंजाब की भर्तियों में फॉर्म भर सकता है। जिसके पास पंजाबी नहीं है उसको लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी पंजाब में जो सरकारी पद निकला है उस पर नियुक्त होने से रोक दिया जाएगा। किसके आधार पर? पंजाबी भाषा नहीं होने के आधार पर। यानी रोका किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर लोक नियोजन में अवसर की समानता से हमें वंचित किया जा सकता है। कितने आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा? इन सात आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अब बताओ इन सात में भाषा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। इसलिए इन सात के आधार पर तो किसी आदमी को वंचित नहीं किया जाएगा। इन सात के अलावा अन्य किसी भी आधार पर दूसरे स्टेट के अंदर नौकरी लगते समय हमें अवसर की समानता से वंचित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 16 एक और दो क्लियर हुआ। इसके बाद में देखिए इस अनुच्छेद के कुछ हमारे पास में क्या है, अपवाद है कि सरकार कुछ मामलों में विभिन्न वर्गों के साथ में क्या कर सकती है, अवसर की समानता देते समय भेदभाव कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) में यह बताया गया है कि निवास स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। यानी अवसर की समानता देते समय निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव हो सकता है, निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव हो सकता है। और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस राज्य के निवासी हैं तो ही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं वरना नहीं भर सकते, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जो रियल मतलब है वो ये है कि जैसे मान लो कुछ राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं पूर्वोत्तर भारत में, जैसे मेघालय है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, ये जो एरिया है इसको शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के अंदर परिभाषित किया गया है। तो इस एरिया में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, इन वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए इन राज्यों में कोई भी भर्ती निकलेगी तो वहाँ पर हमारे साथ क्या हो सकता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना चाहे तो कर सकती है, व्यक्ति इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं लगा पाएगा। और अनुच्छेद 16 है 4, अनुच्छेद 16(4) के अंदर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है, पिछड़े वर्गों हेतु नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किसको है, पिछड़े वर्गों है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले सवाल यह है कि पिछड़े कौन है। तो पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 है, इसमें राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है, राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है अनुच्छेद 340 में कि राष्ट्रपति भारत के अंदर पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए
पिछड़े वर्ग में कौन कौन आते हैं, इस बात की पहचान करने के लिए कि पिछड़े कौन है, इसकी पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति क्या बना सकता है, एक आयोग का गठन कर सकता है पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है, यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, 340 में। तो राष्ट्रपति ने अपने इस पावर का यूज करते हुए आज तक पिछड़े वर्गों की पहचान से संबंधित कितने पिछड़े वर्ग आयोगों का गठन किया है, 3 आयोग ऐसे आज तक इसने बनाए हैं। तो राष्ट्रपति ने सबसे पहला आयोग बनाया था, वो था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष थे काका काकेलकर। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था, काका काकेलकर। तो काका काकेलकर की अध्यक्षता में जो आयोग बना था वह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसका गठन हुआ था 1953 के अंदर। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया था, इसने अपनी रिपोर्ट निकाली थी 1955 में, जिसको सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। फिर कुछ समय के बाद एक नया दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, इसका नाम था मंडल आयोग। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का नाम क्या था, मंडल आयोग। और मंडल आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1979 के अंदर। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया था, रिपोर्ट का प्रकाशन किया 1980 में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आयोग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लागू कब हुई, ये रिपोर्ट लागू हुई थी 1990 के अंदर। और उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, वीपी सिंह। तो ध्यान दीजिए, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राष्ट्रपति के पास में एक पावर है अनुच्छेद 340 में कि राष्ट्रपति पिछड़ों की पहचान करने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति ने अपने इस पावर का प्रयोग करते हुए आज तक 3 आयोग बनाए हैं। पहला आयोग है काका काकेलकर आयोग 1953, दूसरा आयोग है मंडल कमीशन 1979, जिसने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन 1980 में किया, और लागू हुई थी ये रिपोर्ट 1990 के अंदर प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वारा। और तीसरा आयोग है जस्टिस रोहिणी आयोग, जस्टिस रोहिणी आयोग। तो जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता के अंदर ये आयोग बना था 2017 के अंदर। 2017 में ओबीसी में वर्ग विभाजन के लिए, ओबीसी में वर्ग विभाजन करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट को वर्ग विभाजन है। तो ध्यान दीजिए, 16(3) के अंदर जो विभेद का आधार है वो है निवास स्थान के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। 16(4) के अंदर पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़े कौन है इसकी पहचान करने के लिए राष्ट्रपति के पास में आयोग गठन करने की एक पावर है, वो उल्लेख है 340 के अंदर। राष्ट्रपति ने अपने इस पावर का यूज करने के लिए पहला आयोग कौन सा बनाया, काका काकेलकर आयोग। ये आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में। रिपोर्ट कब आई, 1955 में। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था, मंडल की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इस आयोग का नाम क्या है, मंडल आयोग। और ये मंडल आयोग का गठन कब हुआ, 1979 में। रिपोर्ट कब आई, 1980 में। ये रिपोर्ट लागू कब की गई, लागू रिपोर्ट हुई थी 10 साल बाद में 1990 के अंदर। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तीसरा आयोग बना है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जस्टिस रोहिणी ने की थी। और ये आयोग कब बना था, रोहिणी आयोग 2017 के अंदर। क्या करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, ओबीसी में वर्ग विभाजन करने के लिए। अब ध्यान दीजिए कि 16(4) में जो पिछड़े वर्गों का आयोग का गठन हुआ है उसमें से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने लागू किया, वीपी सिंह ने लागू किया। और इस रिपोर्ट को लागू करते ही ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण मिल गया, 27% आरक्षण का लाभ
किसको मिला? ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण का लाभ मिल गया। इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद में 2 साल बाद में 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में 1993 के अंदर एक केस हुआ जिसका नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1993। उस केस का संबंध मंडल कमीशन की रिपोर्ट से है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण को पीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था। इसको चैलेंज करते हुए इंदिरा साहनी ने भारत सरकार पर केस करवाया। तो इस आयोग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जिसका सरकार ने पालन भी किया। तो आइए जानते हैं कि इस केस के अंदर क्या क्या डिसीजंस दिए गए थे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इंदिरा साहनी केस है, ये कब हुआ था? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस है, ये 1993 में हुआ था। इस केस के अंदर इंदिरा साहनी ने 2 आर्ग्यूमेंट लगाए थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। एक तो ये आर्ग्यूमेंट था कि 27% ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो सही नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट कौन लगा रहा है? ये आर्ग्यूमेंट इंदिरा साहनी लगा रहे हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने ये लगाया कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, इसमें आरक्षण का आधार किसको माना गया है? जाति को आरक्षण का आधार माना गया है, ये भी सही नहीं है। ये 2 आर्ग्यूमेंट इंदिरा साहनी ने भारत सरकार के ऊपर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस दोनों आर्ग्यूमेंट को खारिज करते हुए क्या आंसर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, ये सुनिए। सबसे पहला निर्णय ये दिया गया, 3 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी कि 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है वो एकदम सही है, यानी इस चीज़ को क्या माना, सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया। जाति के आधार पे जो आरक्षण दिया गया है वो इंदिरा साहनी ने कहा था गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को ही क्या मान लिया, एकदम सही माना। और निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखना, 3 नई शर्तें जोड़ दी। कितनी नई शर्तें जोड़ दी? 3 नई शर्तें जोड़ी। 3 नई शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि ये जो आरक्षण दिया गया 27% ओबीसी को, ये एकदम सही है। जाति के आधार पर ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है ये भी एकदम सही है, लेकिन आगे से ध्यान रखना है इन 3 नई शर्तों का। पहली शर्त ये है कि आरक्षण भर्ती के अंदर जो दिया जाता है उस आरक्षण का लाभ ओबीसी के अंदर क्रीमीलेयर को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? क्रीमीलेयर को। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहली शर्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाई कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या किया? दूसरा ये बताया कि आरक्षण केवल भर्ती होते समय ही होगा, पदोन्नति के समय आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो केवल भर्ती होते समय आरक्षण मिलेगा, पदोन्नति आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी भर्ती होने के बाद में जब व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो उस प्रमोशन के टाइम में कोई आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, केवल भर्ती के अंदर क्या होगा, आरक्षण होगा। इसके बाद देखिए तीसरा आर्ग्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आरक्षण की सीमा है, कोई भी भर्ती करते समय जो आरक्षण होगा, ये आरक्षण सीमा कितने प्रतिशत हो सकती है? आरक्षण की सीमा कितने प्रतिशत होगी? 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर, 3 नई शर्तें जोड़ी हैं। कौन कौन सी जोड़ी है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1993 में हुआ। इस केस का संबंध किससे है? मंडल कमीशन से, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से, ओबीसी के 27% आरक्षण से, इन सब से ये सारी रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नई शर्तें बताई है उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहला है क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
पदोन्नति आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज हमने 16-4 तक किया है, इसके बाद हम करेंगे 16-5। तो अनुच्छेद 16-5 जो है इसके अंदर धर्म के आधार पर सरकार क्या कर सकती है, विभेद कर सकती है। और 16-6 है इसके अंदर क्या बताया गया है, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। और ये बात 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के अंदर जोड़ी गई है। धन्यवाद।